अपनी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए आज ही हमारा चैनल ब्यूटी एक्सपर्ट्स सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बहुत से दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट की है कि हम उनको बेटनोवेट एन को पिंपल्स के लिए यूज कैसे करना है ये बताएं। बेटनोवेट एन आजकल हर एक घर में होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ही कम लोगों को पता है। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि इसके अंदर स्टीरॉयड होता है जो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो सकता है जब आप लंबे समय के लिए बेटनोवेट एन को यूज करते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि बेटनोवेट एन को पिंपल्स के लिए यूज कैसे करना है ताकि एक ही रात में आपके पिंपल्स सही हो जाएं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी एक तो साफ पानी की, दूसरा आपको चाहिए बेटनोवेट एन, एक आपको चाहिए बर्फ और एक आपको चाहिए कोई भी साफ कपड़ा। अब एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, जहां भी आपके पिंपल्स है, मान लीजिए यहां आपके पिंपल है फेस पर, तो आपको साफ पानी के साथ उस एरिया को धीरे धीरे आराम से साफ करना है, बड़े प्यार से साफ करना है। और ये पहले आपको अपना ये जो हाथ है, दूसरा हाथ जिससे साफ कर रहे हैं, उसको धो लेना है। उसके बाद आप अपने फेस को ऐसे आराम से साफ कीजिए। जब आपके पिंपल वाला एरिया साफ हो जाए, तब आपको साफ कपड़े से बड़े प्यार से आराम से ऐसे पोंछना है। बहुत तेजी से, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, बड़े आराम से पोंछना है। अब आपका एरिया साफ, ये साफ हो चुका है। अब क्या करें, बर्फ लें और पिंपल के ऊपर रख दें। ये लगाने से, बर्फ लगाने से आपका पिंपल जो है आधा तो ऐसे ही आपका दब जाएगा और सुबह तक ऑलमोस्ट ठीक भी हो सकता है। अब जो बेटनोवेट एन का यूज है वो हम इस केस में दो चीजों के लिए करेंगे, एक तो पिंपल सही करने के लिए और एक जो पिंपल्स के दाग होते हैं वो आपके फेस के ऊपर ना पड़े इसके लिए। तो जैसे ही आपका बर्फ, आप इसको एक या दो मिनट के लिए लगा सकते हैं। इसके बाद आपको अपने उस एरिया को, थोड़ा गीला एरिया है तो फिर आप उसको कपड़े से थोड़ा साफ कर लीजिए। अब हम बेटनोवेट एन को उस एरिया के ऊपर लगाएंगे। अब जहां पे आपके पिंपल है, ध्यान रखिए उसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर आपको बेटनोवेट एन लगानी है। ये नहीं कि ऐसे सारे हाथ के ऊपर, जहां भी आपके फेस पर है, सारी गाल के ऊपर लगा लिया। जिस पर्टिकुलर एरिया पे है वहां पर थोड़ी सी लगाएंगे। लगाने के बाद बड़े ही प्यार से, ये साफ हाथ से ऐसे आराम से उस पर्टिकुलर जगह और उसके थोड़े से एरिया में हमें ऐसे बेटनोवेट एन को लगाना है। ये जब थोड़ी सी सूख जाए तब आपको सो जाना है और सुबह देखिएगा आपका पिंपल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सही हो जाएगा। इन केस थोड़ा सा भी रह जाता है तो नेक्स्ट डे आपको सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, तो फॉर श्योर आपका पिंपल के दाग भी नहीं पड़ेंगे और बिल्कुल सही से सही भी हो जाएंगे। अब बात है कि अगर आपके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं तो लोग क्या करते हैं, बेटनोवेट एन को जैसे हम सिंपल क्रीम लगाते हैं ऐसे हाथों में लगाया और सारे मुंह पे लगा लिया, जिससे आपका हेयर ग्रोथ या फिर इरिटेशन, रेडनेस, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बेटनोवेट एन से। तो जिस जिस एरिया में आपके पिंपल्स हो रहा है, पर्टिकुलर उसी जगह के ऊपर आपको इस तरह से बेटनोवेट एन को अप्लाई करना है, फिर देखिएगा रिजल्ट्स। तो आपको इससे बहुत ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो रियली में हेल्पफुल रहेगा। आप प्लीज एक्सपेरिमेंट को अप्लाई कीजिए और जैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलता है तो हमारे चैनल ब्यूटी एक्सपर्ट्स में वापस आइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे टिप्स लेकर आने की।